सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त हैं उनको आने वाले नवरात्रों की झंडेवाला मंदिर की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। झंडेवाला मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्र के दो जो उत्सव हैं वो यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक दिन में 50,000 से लेकर 1-1 लाख भक्त तक भी आते हैं, लेकिन अभी इस कोविड की महामारी के चलते सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार ही दर्शन यहाँ पर हो पा रहे हैं। नवरात्रों के लिए भी हमने उसी प्रकार से व्यवस्था की है, बाहर से 3 लाइनों में भक्त आएंगे। जहाँ पर वो लाइन में लगेंगे वहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। पहले भी हमने लगा रखा है और बैनर लगा रहे हैं। जब वो मंदिर के द्वार पर आएंगे तो पुनः यही प्रक्रिया दोबारा से होगी, उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा और सैनिटाइजेशन होगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हमने निशान लगा दिए हैं, हर एक भक्त जो है वो उतनी दूरी रखकर ही मंदिर में दर्शन करेगा। किसी प्रकार का प्रसाद कोई भेंट वगैरह चढ़ाने की बिल्कुल मनाही है, इस समय कुछ भी नहीं चढ़ेगा। लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे मंदिर से दर्शन करने के बाद तब उनको मंदिर की ओर से प्रसाद मिलेगा। भंडारा दिन में चलेगा, वो रात तक भी चलेगा, व्रत वालों के लिए अलग और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अलग। भंडारा और सभी प्रसाद ये पैकिंग करके ही दिया जाएगा, खुले में नहीं होगा। कंटेनर एल्युमिनियम के कंटेनर हैं जो फूड ग्रेड के हैं, उनमें ही हम पैक करके और ये भंडारा बांटेंगे। तो इस प्रकार से हमने सारी व्यवस्था कर ली है। आज हमारे जितने सेवादार हैं जो मंदिर में सेवा के लिए लगते हैं उनका सबका कोविड का टेस्ट आज करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से भक्तों की सुरक्षा और अपनी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमने सारे प्रबंध किए हैं। इस और चीज थी कि हमें सुनने में आ रहा है कि मंदिर की मूर्ति जो है वो काफी सारी जगह लेकर के जाई जाएगी, अपने रथ बनाए हैं, वो क्या चीज है, एक बार थोड़ा सा विस्तृत तौर पर। इस बार हमने इस बात को ध्यान में रख के कि जो दूर से आने वाले भक्त हैं वो शायद नहीं आ पाए किसी कारण से, और हम भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो भक्तों की, उनके लिए भी समस्या है हमारे लिए भी। तो इस बार मंदिर ने ये निश्चय किया है कि 8 माता के स्वरूप वाले रथ सुंदर तैयार किए गए हैं और वो हर रोज पहले दिन से लेकर नवरात्र से 17 अक्टूबर से लेकर और वो 24-25 तक अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में जाएंगे। उनके लिए स्थान, हर रथ के लिए 4 स्थान निश्चित हैं, वो हर रोज उन्हीं स्थानों पर जाएंगे। और जो आसपास के भक्त हैं उस जहां पर रथ खड़ा होगा वो आकर वहां दर्शन कर पाएंगे और उनको प्रसाद भी वहीं से मिलेगा, ताकि वो मंदिर आकर यहां पर भीड़ ना लगे। और जो नहीं आ सके उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए तो माता स्वयं जो है वो भक्तों के द्वार जा रही है, इस बार ऐसा हमने प्रबंध किया है। सब हो गया ना, कुछ छोटा सर, इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को आप कैसे देख पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है हमेशा, तो आप उसके लिए आप कैसे देखेंगे? सुरक्षा के लिए हमने पहले भी हम बड़े व्यापक प्रबंध करते हैं, इस बार भी हमने कुछ और थोड़ा सावधानी के लिए पूरे मंदिर परिसर और इसके बाहर हमने 150 CCTV कैमरे लगाए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ से सबकी इसकी मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पुलिस के लोग भी बैठकर मॉनिटर करते हैं और हमारे लोग भी होते हैं। इसके अलावा 25 वॉकी टॉकी लेकर हमारे अपने सुरक्षा के जो सेवादार हैं वो सारे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, किसी प्रकार की भी कोई घटना हो, कहीं भीड़ इकट्ठी हो गई हो, कुछ हो, तो उसके ऊपर वो निगाह रखेंगे। और इसके अतिरिक्त पुलिस की भी सुरक्षा यहाँ पर रहेगी, हर बार रहती है, तो हमारी ओर से भी एक डिस्पेंसरी भी रहेगी और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर रहेगा किसी प्रकार की कोई। मंदिर में हर नवरात्रे पर बाहर से दूर दूर से बहुत सारे मंदिरों के भक्त यहाँ से जोत लेकर जाते हैं और वो अपने मंदिरों में फिर उसको प्रज्वलित करके नवरात्र शुरू करते हैं। तो इस बार भी वो आएंगे, लेकिन इस बार थोड़ी संख्या कम होगी, तो उसके लिए भी हमने अलग प्रबंध किया है कि उनको जोत यहाँ से वो लेकर जा सकें, उनके लिए भंडारे की उनके लिए सारी व्यवस्था हमने की है। तो इस प्रकार सुरक्षा के भी हमने सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं, भक्तों की सुविधा जितनी संभव है
वो और कम से कम समय में उनको दर्शन हो सके, ताकि उनको लंबे समय तक लाइनों में न खड़े रहना पड़े। हमारा एक YouTube चैनल है, वो पूरे दिन लाइव दिखाएगा। और लाइनों में भी हमने हर लाइन में तीन तीन चार चार हम CCTV वो लगा रहे हैं, वो मॉनिटर लगा रहे हैं, तो मंदिर का उनको आरती वगैरह जैसे लाइन में लगे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आरती वगैरह वो वहाँ पर अपनी लाइनों में चलते हुए वो भी देख सकेंगे। तो इस प्रकार हमने हर एक लाइन को दो दो बार सैनिटाइज करेंगे और सारे जितने रेलिंग वगैरह हैं सैनिटाइज होंगे। इस प्रकार से हमने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।